हे जे हे लावतोय ना तेल, तेलाला लागावी आग, तेलालाच आग लागते, काळजी नको, तेलामुळेच ते जळत राहत कधी. वेलकम टू द व्लॉग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल. आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद अ न्यू व्लॉग. और आज भी हम कराड़ में ही हैं, हम थोड़ा पार्टी करने जा रहे हैं, बट मैं वेजिटेरियन हूँ करके मैं सिर्फ पनीर खाने वाला हूँ. अगर आपको झूठ लगता है तो मैं आपको वो दिखा दूंगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पनीर ही खाने वाला हूँ. और अभी हम लोग एक स्पॉट पे जा रहे हैं, मुझे स्पॉट का नाम, स्पॉट का नाम क्या है सुने? कांडवन. कांडवन, बहुत सारे कांड होते हैं वहाँ पे, इसके लिए कांडवन. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका नाम है कांडवन, पता नहीं क्यों, वो तो अभी किसी लोकल को पूछना पड़ेगा. बट अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अभी ये सब चिकन खाने वाले हैं. तो वहाँ पे चिकन हमारा सोना बनाने वाला है जो अभी गाड़ी चला रहा है, और हम लोग देखने वाले सब मस्त बैठ के देखेंगे सोने क्या करता है क्या नहीं. और देखते मिलते आगे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बराबर नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वाइब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबलाइजर ज़बरदस्त है यार गोप्रो का, और ये गोप्रो से शूट हो रहा है बाय द वे. मिलता हूँ आगे और दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या करते हैं. और पीछे हमारे दो गाड़ियाँ हैं और सात टोटल है हम लोग. मिलते हैं आगे, मिलते हैं और रेसिपी दिखाते हैं. ओके, ये जो रोड लगा है इसके लिए हिमालयन चाहिए थी. स्कूटीज है हमारे पास दो और एक जिक्सर है. अभी देखते हैं, अभी यही है कांडवन, पर हमको मालूम नहीं है जाना किधर. अब आज जी से पूछा कि जाना किधर, तो बोले कि आगे है ऊपर कहीं, तो पहुंचने के बाद पता चलेगा. अगर बाय चांस कभी फ्रेंड्स फैमिली को लेके आने का मन हुआ और स्पॉट अच्छा हुआ तो ना, इतना खाली जाएगा फिकत अच्छी ये दस ना रे. हाँ देखो किस स्पॉट है, छोटा स्पॉट है, बोटिंग बिटिंग है, मतलब थोड़ा मतलब बोटिंग भी है. अगर टाइम मिला तो बोटिंग भी करते, मतलब टाइम तो है ही, जब तक सोना हमारा खाना बने तब तक हम बोटिंग करेंगे. सिंपल रामा, चलो मिलता हूँ आगे, मिलता हूँ बोटिंग या फिर उतरने के बाद इन लोग की अम्मा बहन करते हुए जब सोना दिखेगा तब मिलते. अरे कसा जाए सर ब्रिज वर ना, तुटेगा तो नहीं गाड़ी तो गेले. बाप रे, लड़ाक लड़ाक दोस्तों, लद्दाख. प्रॉपर मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है. कुछ घर भीर नहीं है आजू बाजू, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. और मैं अपना चल रहा हूँ जैसे रास्ता दिख रहा है वैसे चल रहा हूँ, बस वही है. और थैंक गॉड की कैप है, सनस्क्रीन लगाई हुई है, जेब में भी लेके आया हूँ, बाई चांस अगर मूड होया तो बस सनस्क्रीन लगाएंगे, टैन नहीं होना है. 18 तारीख को इवेंट है. 18 तारीख को एक इवेंट है, वहाँ पे जाना, अच्छा दिखना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए थोड़ा ढंग से जाना इज वेरी इम्पोर्टेंट. अभी देखते आगे, क्योंकि यहाँ पे पानी का आवाज़ आ रहा है नीचे, मतलब ऊपर से ये डैम का ये क्या बोलते हैं तटबंदी. और एज़ आई सेड यहाँ से दिखता है पूरा धरना है. कुठे बोटिंग, बोटिंग आपल्याला हे सगळं तुझ्यामुळे झालं बिपिन, फक्त तुझ्यामुळे झालंय बाबा. क्या बात आहे, काय रोड आहे इथे, इथे करायची का पार्टी याच्यात, रोड याच्यात याच्यात या डब्यात बंद असायचं, त्यात आग लागली तर संपला विषय. त्या बाजूला हे बोटिंग, बोटिंग मी जाणार बोट घेऊन, एकटं सोडतात ना बोटी, बोटी चार जण जाते पण सोडतात ना.
तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व मसाला टाकून घ्यावा, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती थोडासा लिंबू पिळावा. हे म्यूट नको करू जा का बाजीनानाचा. फक्त बीप टाक. हाय ना बाजीनानाचा नीच पोर गय नीच माटे चिंगी जापनीज चिवळे सोन्या बाबू दनिया मी नाही तर झालं की देड घ्या वैबे तू पण तेच आलं की देड घ्यात नाही मग तू तू कोण तुझं सांग ना मित्र वैबे पाहिजे का नाही ऐक मिक्स मध्ये टाक. अरे तिकट तिकट हे कोल तिकट तिकट पाहिजे तिकट कोल केलं ही माझी लाच मला माझी लाची पाहिजे तिकट केलं ही असे लयदा झाले तुझे असे लयदा भरपूर पार्ट्या होत्या आणि नालाकासारखा येऊ नको तर कुठल्या गाडीत बसू प्रत्येक पार्टीला आहे तिकट कर तिकट कर छान लागेल नाही तिकट आधीच सांगतो मी सगळं सांडून टाकणार स्वादानुसार नमक आणि अशा प्रकारे तुमचं चवीनुसार मीठ टाकून घ्यावं चटणी मीठ आणि अजून सोनं पुढे झालं मग नंतर हलवून घ्या हलवून घ्या मस्त दही टाकलं चांगलं हलवून घ्यायचं दही टाकलं का दही आधी टाकलं आणि आता हे मॅरिनेट करत ठेवा एक तास भर आमचा कोतळ्या आम्ही फक्त कोतळ्या काय याचा कोतळा कापून टाकला याच्यात खायला आमचा कोतळ्या कोण आणि आता हे मॅरिनेट करून घ्या छान असं आणि आम्ही ठेवलेली कामवाली चिंगी याची तोडा बघू त्याला दिसतील चिंगी तिकडून हे अंजा जा जिरा अंजा जिरा जिरा जा किती करताय त्यांच्या राहिला असेल थोडा पनीर काय ठेवलं तिकडे भात आता भात अरे अरे ते जळल की मग ते पागल आहेस का काही अरे नाही जळत तुला सुट्टी कडायची माझी अर्धी टेनिस खेळतोस का काय सुंदर ते माझा भाऊ विशाल कांदा कापतोय माझ्यासाठी तोपर्यंत मी आपला चटणी चपाती खाऊन भाऊ भाऊ भात करतोय बिपिन भाऊ बिपिन धनेश बिपिन धनेश आणि चिवळेश चिवळेश भात करतात बघा मसाला टाकला पुढे खडा मसाला टाकी बाबा खडा मसाला असा असा नको असा अरे टाकी भात जास्त बनवलं पागल टाकू टाक जिरे टाक म्हणजे टाकू नको तेच प्रकारचे मॅरिनेट किंवा हुआ चिकन आता हे नको म्हणतोय हात लावा आले मसाला मधी मधी बोलून चेपे सांग तू शांत बजारा पहिले किती रे यार मी चिकन खाता नाही लेकिन देख के टेस्टी लग रहा है तिखा तिखा तो दोस्त ये देखो अम्मा भाई ए थाम जरा सर जरा जळू दे दोस्तों देखो जब नॉलेज नहीं होता तो ऐसा होता है छोटा चमचा तो म्हटलं मी आणलाय तो देखो दोस्तों जब नॉलेज नहीं होता ए नॉलेज फुल है तो ऐसा होता है इज्जत मत उतार पोटाने टाकू टाक ऑप्शन है स्टार्ट दे बॉल यार व्हॉट इज दिस ब्रो चिकन तंदूरी हे जे हे लावतो ना तेल तेला लागावी आग तेलालाच आग लागते तू काळजी नको तेलामुळेच ते जळत राहतं कट्टी तेल टाकायचं क्या बात आहे यार क्या बात आहे सोन्या द शेफ जबरदस्त सोन्या यार ह्यासाठीच तू आणलं कशाला असली पोर घेऊन येतार तुम्ही कडक सॉरी पनीर कुठे सब कुछ बहुत प्रॉपर चल रहा है बस धूप से ना इरिटेट हो रहा है और ऊपर से ये देखो ये खाने को बैठ भी गया बिकमंगा छी यार बिपिन ये चांगलं नाही बिपिन हे चांगलं नाही काय चांगलं नाही हे जा एकटा एकटा खायला बसलास भूक लागली पोटात कावड ओरडते कावड 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 आणि हा नाना पनीर शिजलंय का नाना नाही अजून पनीर काय यार भूक लगी आहे बॉटल दो पाणी की तान लगी आहे दोस्तों ये देखो कितना प्योर चिकन एकदम एकदम लाल यार क्या जबरदस्त है यार एकदम लाल किसने किसने किया ये बिपिन सोनिया सरळ काढ बिपिन जबरदस्त यार एकदम लाल दिख रहा है ये तो क्या तो भी कोयला है क्या कोयला खा रहे हो
चिकन आहे भाई. हे कोणचं चिकन आहे? काळा चिकन, काला मुर्गी का चिकन? कडकनाथ चिकन. तिकडे बाजार उठवलाय त्याचा सगळा. कडकनाथ आहे का? छी दोस्तों, करे हुए गलती पे चादर डालने के लिए देखो मस्त गार्निशिंग करिए, बहुत जबरदस्त. क्या बात है, मस्त सोना मस्त काढायची काम करतो. छान छान छान, व्हेरी गुड. द नेक्स्ट डे. यो यो यो, हेलो, नमस्ते, क्या हाल है आप सभी के? वेलकम टू द, मतलब वेलकम टू द चैनल नहीं, नमस्ते. आप लोग बहुत अभी कंफ्यूजन में होंगे, आई नो, कि ये दल्ला अभी व्लॉग कर रहा था गांव में और ये पनीर और चिकन बना रहे थे. अचानक से यहाँ पे हरामजादा कैसे पहुँच गया? तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे है कि मुझे जब मैं वो सब कर रहा था तब मुझे कॉल आया कि 6:30 बजे गाड़ी है और मैं 5 बजे वहाँ था और घर पे जाने का रास्ता 1 घंटा दूर था. तो मैंने खुद का पनीर पकाया. मैं जेन्युइनली पनीर खा रहा हूँ. मैं चिकन नॉन वेजिटेरियन था पहले, नहीं था ऐसा नहीं. अभी मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ दोस्तों, मैं प्योर वेजिटेरियन, प्योर ही बोलेंगे वैसे तो, प्योर वेजिटेरियन बन चुका हूँ. अंडे विंडे कुछ नहीं खाता, डोंट वरी. लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग में बोला था कि मैं अंडे खाता हूँ बाकी चिकन नहीं खाता, तब तुमने बवाल कर दिया था. अच्छा, वो टॉपिक साइड में रहने दो. करने वाली बात यह है कि जैसे ही मुझे कॉल आया मैं वहाँ से उठा और निकल पड़ा घर पर आने के लिए, बिकॉज़ मुझे मेरी गाड़ी मिस नहीं करनी थी. और थैंक गॉड कि मैं जल्दी घर पर आया, क्योंकि 7 बजे सारे दोस्त रिटर्न आए थे. मतलब अगर उनके साथ में रहता, वो उन लोग चिकन बना रहे थे, चिकन गर्म होने को आगे ज़्यादा टाइम लगता है, पनीर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो मैं फटाफट निकल गया था. तो थोड़ा बीमार हूँ, खांस लूँगा तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़. हाँ, तो मैं निकल गया वहाँ से एंड गाड़ी पकड़ी. गाड़ी में भी ज़्यादा शूट नहीं करा, गाड़ी में ओजी गैंग पे बकचोदी कर रहे थे हम लोग, तो वो सब हुआ. एंड अभी गाड़ी को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि गाड़ी थोड़ी मेली है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेली है, क्योंकि 4-5 दिन से खड़ी है ओपनली. तो आई एम सॉरी माई लवली बेबी. अभी जाते समय धोना चाहता था मैं, बट नहीं धोऊंगा, क्योंकि जिस रास्ते में जा रहा हूँ वहाँ पर धूल इतनी है ना कि आप लोग बोलोगे अरे यार इतनी धूल इतनी धूल. तो यस, थोड़ा मैं बाहर निकल लूँ पहले इस ट्रैफिक से. हाँ, तो फिर अभी हम लोग बूट कैंप के लिए निकल रहे हैं और हम हैं भूमि राज, जो कि मेरी आई गेस मोस्ट फेवरेट बिल्डिंग है. अगर आप देख पा रहे हो तो ये भूमि राज एंड यस, मेरा फेवरेट रोड पाम बीच. निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अवर बूट कैंप. आज रात को स्ट्रीम होगी 100% में, उसी माइंड सेट से निकला हूँ. बहुत फ्रेश होके आया होगा उसी माइंड में, पर मज़ा आ रहा है यार. अभी बहुत फ्रेशली स्ट्रीम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा. राडे करेंगे इसका नागर. बाय द वे, ये रिटर्न करवा रहा था मैं बहुत ज़्यादा और फेस की अभावन हो गई यार, पूरा काला पड़ गया हूँ. और 18 को इवेंट है, आज तारीख है 10. तो वो इवेंट फटाफट से पूरा होने के लिए कुछ सोल्यूशन बताओ कमेंट्स में. ये व्लॉग आएगा बहुत जल्द, ठीक है? मिलते हैं. ये सिग्नल छूटता है वैसे मैं वापस मिलता हूँ आपको. ओके, ओनली रीज़न कि मुझे ये रोड इतना पसंद आता है, कोई सिग्नल ब्रेक नहीं करता. जैसे पुणे में, तुम लोग ने पुणे में देखा होगा कि जितने भी राइडर जाते हैं, राइडर्स को नहीं कंसिडर करूँगा मैं, ये पुणे की पब्लिक है. मैं बस पुणे की पब्लिक को बस बता सकता हूँ कि प्लीज़ सिग्नल्स पे रुका करो. और वो गाड़ी की हालत देख रहे हो, वैसे गाड़ी की हालत हो जाएगी. सो यप, लेट्स गो एंड सिग्नल्स पे रुका करो भाई प्लीज़. और वी आर ऑफ टू अवर बूट कैंप बेबी एंड लेट्स गो, लेट्स डू सम स्पीडिंग नहीं कर रहे थे. गाड़ी बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ तो उसका इंजन खुला कर रहा हूँ थोड़ा. आ जाऊँ
अरे 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 228 की हल्लू हल्लू जाए सामने सिग्नल खुला है लेकिन हल्लू हल्लू था। चलो चलो दोस्तों, मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा, हमें वही चीज़ आज देखने की मिलेगी। और हम जिस भी टाइम पे मोटो व्लॉगिंग का मतलब हम लोग घर पे जाते हो या फिर कुछ भी हो, हमको वो एक चीज़ हमको हमेशा देखने मिलती है, दिस सनसेट। और आज भी हमें वो सनसेट देखने मिलने वाला है। हमारा नसीब बहुत अच्छा है यार, ये हाइपर व्यू में बहुत ज़बरदस्त दिखता है, वो चीज़ तो है ही। लेकिन अभी सनसेट भी दिखने वाला है थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा मुझे ये पाम बीच क्रॉस करने दो, आई विल बी बैक इन वन। और ये सनसेट तो बैक साइड है, मैं तुमको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि वो सनसेट में हमारा जो फ्लैग है वो दिखाना चाहता था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो देखो खूबसूरती देख लो भाई, फ्लैग की खूबसूरती देख लो पहले तो, क्या तो भी प्यारा फ्लैग दिख रहा है। 5, 4, 3, 2 and 1 लेट्स गो, क्या खूबसूरत लग रहा है फ्लैग, वाओ भाई यार बहुत प्यारा लगता है यार ये देखने को। ऐसा मतलब यहाँ पे ना गार्डन है, तो गार्डन पे हम लोग यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं नीचे। तो देखो वहाँ पे लोग बच्चे बैठे देख रहे हो बैठने के लिए जगह है, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के मस्त देख सकते हैं वो सब चीज़ें। फ़िलहाल तो अभी हम बहुत नज़दीक आ गए हैं हमारे जहाँ हमको पहुँचना है। मैडम जी हट जाइए प्लीज़, थैंक यू। तुम लोग बोलते रहोगे ना ये इतने छोटे से गली में जगह कैसे। दोस्तों देखो हाइपर व्यू में बहुत ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड दिखता है चीज़ें, आई नो भाई। आज बहुत पुलिस वाले खड़े यार, बहुत पुलिस वाले खड़े। अच्छा सम VIP इज गोइंग, मोबाइल ऑफ एंड सीट बेल्ट ऑन। भाई हमारा ना मोबाइल ऑन है ना हमारे गाड़ी को सीट बेल्ट है, हम क्या करें। अच्छा बाय द वे ये मैंने बैग लिया था जाते समय का, ये सब छूट करना चाहिए था मुझे एक्चुअली, पर मैंने करा नहीं है। और एक ट्रेजेडी हुई थी इसके टाइम पे कि मुझे ये बैग मैंने ले ली, उसके दूसरे मिनट में मुझे और एक बैग पसंद आई जो कि थी जैक एंड जोन्स में। वो बैग मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं लेने वाला हूँ, 100% लेने वाला हूँ वो बैग, बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे। पता नहीं क्यों, लेदर बैग है, अच्छी बैग है, लेट्स सी कब लेंगे, बट लेंगे ज़रूर। ओके पहले तो हमारी मंजिल की ओर, और ये सनसेट दिखाने के लिए मैं से वेट कर पा रहा हूँ। ये देखो क्या यार ये मौसम, और मुझे GoPro पे वो कुछ तो भी लगाते हैं वो, अगर मैंने लिया शायद ले सकूँगा मैं, मतलब ले लूँगा। अभी वैसे भी समर चालू होने वाला है तो लेंस ले लूँगा मैं, अभी समर में ही बहुत सारी राइड होंगी भाई। बारिश में एक बार बारिश चालू हो जाएगी ना तो राइड्स कम होंगी, समझ रहे हो, थोड़ा राइड का क्या बोलते हैं प्लान्स कम हो जाएंगे। तो जब तक समर है तक बहुत सारी राइड करके लेंगे, एंड आफ्टर समर देखते हैं, कभी कभी राइड के लिए निकलेंगे बारिश में भी, एक हाथ दूसरी राइड यार, बारिश में ज़्यादा राइड्स नहीं होंगी, एक हाथ दूसरी राइड होगी, बाकी सब हम देखते क्योंकि बारिश में ये अपनी बाइक चलाना मतलब तुमको तो पता है, मतलब मैंने वैसे तो मैंने बारिश में भी बहुत राइड करा है और बहुत सारे व्लॉग्स भी हैं जिसमें मैं बारिश में गाड़ी चला रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने बाइक ली थी ऑन माय सिस्टर्स बर्थडे तब बारिश हो रही थी और मैं बारिश में बाइक चला के लेके आया था, क्या ज़बरदस्त दिन था वो यार। मेरे चुंगू मुंगू को बहुत टाइम हो गया, अभी 3-4 साल हो गए मेरे पास, बट अभी भी बीच बस धोने दो एक बार फिर को दिखा दो, अभी भी वो एकदम मक्खन मक्खन चलती है और दिखती तो एकदम सोनी है। ओहो क्या तो भी क्या तो लग रहा है यार, सीधा इसमें कलर ग्रेडिंग कर। लास्ट टाइम व्लॉग्स के सीधा एक काम करा कर, व्लॉग्स के कमेंट्स पढ़ा कर, बहुत सारे सजेशंस आते हैं कलर ग्रेडिंग में। लास्ट टाइम कुछ तो किसी ने कमेंट करी थी कि कलर ग्रेडिंग का लास्ट में थोड़ा सा एंड में इशू हुआ है, वो चेक करना एक बारी। बाकी ब्लॉग को बहुत ज़बरदस्त व्यूज आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आपका सपोर्ट है, अच्छा लगता है।
किसी किसी ब्लॉक पर जाते, किसी किसी ब्लॉक पर नहीं जाते अभी। और इससे पहले या फिर इसके बाद, इसके पहले ही आएगा शायद हमारा अष्टविनायक का ब्लॉग आने वाला है, तो वो देखना ज़रूर से अगर नहीं देखा हो तो। उसके पहले भी दो दो वापा कर रहे हैं हम। लास्ट टाइम क्या वो महड़ और सिंथेटिक का सिद्धिविनायक था, तो वो दो वापा करे। उससे पहले हमने मुर्गव करा, थेऊर का चिंतामणि करा, मुर्गव का मोरेश्वर, तो वो दो किए हैं। वो व्लॉग अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि उस पर एक बहुत ही प्यारी रील आने वाली है। और उसके बाद जो आने वाला है वो इस सबसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉट इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन उसमें फ़न होने वाला है, क्योंकि उसमें मोटो व्लॉगिंग प्लस कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और ये सब समर में होने वाला है, तो आपको मज़ा आएगा 100%। मैं अपना 100% देने की ट्राई करने वाला हूँ इस बार ही, पूरा पूरा मज़ा करेंगे भाई, बहुत मज़ा करेंगे। लेट्स गो।